ब्रेकिंग न्यूज, चीन ने भारत को 45 साल बाद दिया फिर धोखा। सोमवार रात लद्दाख की गालवान वैली में बातचीत करने गई चीन की सेना ने भारत की सेना पर हमला कर दिया। गोली एक भी नहीं चली, लेकिन चीन के सैनिकों ने पत्थरों, लाठियों और धारदार चीजों से हमला बोल दिया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। यह झड़प दुनिया की दो एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गालवान वैली में हुई, उसी गालवान वैली में जहाँ 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी। भारत ने चीन की तरफ से हुई बातचीत इंटरसेप्ट की है। इसके मुताबिक चीन के 43 सैनिक हताहत होने या मरे होने की खबर है, लेकिन चीन ने यह कबूला नहीं है। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तेलगुला में चीन ने असम राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। इसके 45 साल बाद चीन बॉर्डर पर हमला हमारे सैनिकों की शहादत हुई है। जो शहीद हुए हैं उनमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शामिल हैं। 2 अन्य नामों की पुष्टि हुई है, ये हैं हवलदार पलानी और सिपाही कुंदन झा। सोमवार रात की घटना के बाद चीन डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गया। मंगलवार सुबह 7:30 बजे चीन की पहल पर ही गालवान वैली में मीटिंग बुलाई गई। इसमें दोनों देशों के बीच मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई। दोपहर करीब 1 बजे हिंसक झड़प की खबर दुनिया के सामने आई। इसके बाद चीन ने अपना रुख बदल दिया। वह धमकाने वाले अंदाज में आ गया, कहा अब भारत एक तरफा कार्रवाई न करे नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस किया। आर्मी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कल यानी सोमवार रात की गालवान वैली में डी एस्केलेशन प्रोसेस चल रही थी, लेकिन तभी हिंसा हो गई। हमारे 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। हिंसा झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई हैं। देश में लोकतंत्र है, इसलिए हमारी सेना ने शहीदों की संख्या बता दी है। झड़प की बात सामने आने के करीब 8 घंटे बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों तरफ नुकसान हुआ है। अगर चीन की तरफ से हाई लेवल पर बनी आपसी सहमति का ध्यान रखा जाता तो दोनों तरफ हुए नुकसान को टाला जा सकता था। भारत ने हमेशा आपसी में रहकर ही मूवमेंट किया है, हम उम्मीद करते हैं चीन ही ऐसा करेगा। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स चीफ रिपोर्ट में पहले 5 सैनिक मारे जाने का दावा था, हालांकि बाद में रिपोर्टर ने कहा कि उन्होंने यह बात भारतीय मीडिया के हवाले से कही थी। लेकिन अब बात यह सामने आ रही है कि चाइना सैनिक के 45 सैनिक मारे जाने या हताहत होने की खबर सामने आई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।